अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड बाय अरीब। तो आज हम मनाने जा रहे हैं डिनर स्पेशल में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी हांडी, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान सी रेसिपी में बनाएंगे। चिकन मलाई बोटी हांडी बनाएंगे, मज़ेदार सी क्रीमी सी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस हांडी को। रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल में। एक टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगा मैं। आधा किलो चिकन ली थी मैंने, उसके अंदर उसको बोनलेस थे वो मैंने उसको पीसेस में कट कर लिया था। उसके अंदर अब मैं सारे मसाले डाल दूंगा। एक टीस्पून नमक डालूंगा मैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल दूंगा मैं, और यहाँ पर साथ ही मैं डाल दूंगा एक टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। यहाँ पर मैं डाल दूंगा 4 टेबल स्पून भरकर दही, और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगा 3 टेबल स्पून क्रीम, जो मार्केट में इजीली पैकेट वाली क्रीम होती है वो, आप कोई सी भी ले लीजिएगा। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा यहाँ पे, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर अब हम 2 इंग्रेडिएंट्स और हैं वो डाल देंगे। 1 टीस्पून नींबू का रस डाल देंगे, लेमन जूस डाल देंगे हम इसके अंदर, और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगा 2 चॉप्ड हुई हुई हरी मिर्चें। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्चें कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर बिल्कुल माइल्ड रखी थी। दोबारा इसको एक दफ़ा बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फाइनल मिक्स करेंगे इसको। और यहाँ पर अब हम इसको मैरिनेट कर देंगे 30 मिनट के लिए, ताकि मसाला बिल्कुल अच्छे से चिकन के अंदर लग जाए। 30 मिनट के बाद अब मैं यहाँ पर कढ़ाही लूँगा, उसके अंदर डालूँगा 4 टेबल स्पून भरकर तेल। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं तेल को भी, जितना आप पसंद करते हो। और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगा चिकन अपनी मैरिनेट हुई हुई, 30 मिनट के लिए मैरिनेट किया था हमने इसको। और यहाँ पर हम इसको अच्छे से पका लेंगे, मिक्स करते जाएंगे, पका लेंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन सा कलर ना आ जाए, सिक ना जाए, अच्छे से चिकन गल ना जाए, उतना ही पकाएंगे हम। यहाँ पर अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए इसका। जब तक हम यहाँ पर एक अपना स्पाइस योगर्ट रेडी कर लेते हैं, जिसकी हम ग्रेवी बनाएंगे, मतलब जो ग्रेवी बनेगी हांडी की, वो 3/4 कप हम इसके लिए लेना है दही। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगा 1/2 कप क्रीम, क्रीम या टेटर पैक वाली क्रीम है जो हमने मलाई बोटी की चिकन को मैरिनेट करते हुए डाली थी। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगा 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून नमक। नमक हमने उसमें भी डाला था, तो आप बैलेंस करके इतने हिसाब से डाल दीजिएगा जितना आपको सही लगे। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे हम, और इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को, दही और क्रीम को। स्पाइस योगर्ट रेडी हो चुका है, इसको हम साइड में रख देंगे। यहाँ पर हमारी मलाई बोटी को 5 मिनट हो गए थे पकते हुए, इस तरीके का टेक्स्चर इसके अंदर आ गया। हमें और गोल्डन ब्राउन करना था इसको, देखिए इस तरीके के टेक्स्चर के बाद हमें इसको निकालना है। कम से कम 7 से 8 मिनट में इतना गोल्डन कलर आ जाएगा इसके ऊपर। अब यहाँ पर हम दोबारा से सारी मलाई बोटी निकाल कर पैन में डालेंगे 3 टेबल स्पून तेल, और यहाँ पर मैं डाल दूँगा 1 टेबल स्पून बटर, ताकि एक रिच सा फ्लेवर आ जाए हमारी हांडी के अंदर। और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगा 1 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको मैं सौते कर लूँगा अच्छे से, कच्चापन चला जाए इसका। सौते करने के बाद अब मैं इसके अंदर डाल दूँगा 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसका पेस्ट बना लिया था मैंने ग्राइंडर में, और इसको भी मैं बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर भून लूँगा जब तक कि गोल्डन ब्राउन सा कलर ना हो जाए प्याज का। बिल्कुल अच्छे से हमें भूनना होगा यहाँ पर इसको, ताकि इसका कच्चापन चला जाए बिल्कुल। यहाँ पर देखें हमारी प्याज का कच्चापन बिल्कुल चला गया, जो हमने यहाँ पर स्पाइस योगर्ट रेडी किया था वो हम सारा इसके अंदर डाल देंगे। और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 2 टेबल स्पून बादाम का पाउडर, ये काफ़ी ज़्यादा रिच फ्लेवर देगा इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवर देगा, तो ये आप ज़रूर डालिएगा अगर आपके पास अवेलेबल हो तो। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और हम यहाँ पर हम इसको पका लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। लो फ्लेम पर पकाना है, तेज़ फ्लेम पर नहीं पकाना। जब ये हल्की सी गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाएगी, तो हम इसके अंदर अपनी मलाई बोटी जो हमने बना कर रखी थी वो डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हम इसको पका लेंगे कवर करके 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से पक जाए, ग्रेवी हमारी अच्छी सी हो जाए, बिल्कुल स्मूथ हो जाए। यहाँ पर देखें हमारी हांडी इस तरीके की हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा सख्त हो चुकी है टेक्सचर में। अब यहाँ पर हम फ्लेम को बंद कर देंगे, और यहाँ पर मैं इसको धुआं दे दूँगा कोयले का, ताकि एक अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। ऊपर से ऑयल स्प्रिंकल कर दूंगा मैं जले हुए कोयले पर, और इसको कवर कर दूंगा, और अच्छे से धुआं लगने दूंगा अपनी हांडी के अंदर। यहाँ पर हमारी हांडी पर बिल्कुल अच्छे सा धुआं लग चुका है, हमारी हांडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मसालेदार सी, मज़ेदार सी, सिंपल सी रेस्टोरेंट स्टाइल में हांडी बनाई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान थी, मज़ेदार सी थी। अब इसको यहाँ पर मैं हांडी में ट्रांसफ़र कर लूँगा, अगर आपके पास हो तो इसमें ज़रूर ट्रांसफ़र कर लीजिएगा, वरना फिर भले आप ना भी करें कोई मसला नहीं है। ऊपर से हम यहाँ पर अदरक और चॉप हरी मिर्च सर्व करेंगे,
डेकोरेशन के लिए दोनों चीज़ें अच्छी लगेंगी। ऊपर से ये रख देंगे हम। यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी हांडी रेडी हो चुकी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सी बनेगी। इसको आप नान या फिर पूरी पराठों के साथ सर्व करिएगा। अगर आपको हमारे चैनल पर और भी ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारी वीडियोस कैसे देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।